डियर स्टूडेंट्स, लास्ट फ्राइडे को मैंने आपको वीडियो न भेजकर एक टेक्स्ट भेजा था। एक पेपर पे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यू से संबंधित सामान्य रूल्स भेजे थे, उनका वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और इनकी एक्सरसाइज के लिए मैं इस वीडियो के बाद आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की आपको पेपर भेजूंगा, उसमें से आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है। टॉपिक हमारा वॉइस कंटिन्यू चल रहा है और आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जिसमें हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने कोई काम हो रहा होता है, जैसे राम पत्र लिख रहा है, राधा गीत गा रही है और माँ किचन में खाना बना रही है, यानी हमारी आंखों के सामने जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आते हैं। आपको इसके जो सामान्य रूल्स हैं वो आपके सामने लिखे जा रहे हैं। सेंटेंस सिंपल का आपको रूल पहले भी बताया जा चुका है, अब भी आपको बता रहे हैं। सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब इजेमार होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक एक्टिव वाइज सेंटेंस में मिलेगा। इस सेंटेंस का पैसिव वाइज कैसे बनेगा आप अच्छी तरह जानते हैं, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, फिर इसके नंबर के अनुसार ये सिंगुलर है तो इज लगा देना, ये प्लूरल है तो आर लगा देना, और यदि यहाँ पर मी है तो इसका यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट आई बन जाएगा और आई के साथ एक्टिव वर्ब एम लगा देना। उसके बाद आपको ये जो आईएनजी दिखाई दे रही है इस आईएनजी को बीइंग फॉर्म में चेंज कर देना है, और फर्स्ट फॉर्म आपको थर्ड फॉर्म में बदलते हुए बाय का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी तरह आप जब नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने आता है तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद डॉट मिलेगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद डॉट लगाना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले मिलेगी, जो हमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो पहले है पैसिव वॉइस में ठीक उसी प्रकार हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को निकालना है, बाकी इसमें फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। एक सेंटेंस देखिएगा, अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव है तो किस तरह बनेगा, सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब पहले निकल जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बाद में, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा हुआ मिलेगा। हमें पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में ट्रांसफर करना है और इससे इसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो अब यहाँ यूज न करके सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे ताकि सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाए। अगर ये सिंगुलर है तो इस पहले आएगा, अगर ये प्लूरल है तो आर पहले आएगा, और यदि ये आई है तो एम हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट से पहले निकालनी है। ठीक उसी प्रकार आईएनजी फॉर्म को बीइंग में बदल देना है और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलते हुए बाय का प्रयोग करना है और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस को मिला देते हैं तो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है। जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नोट आपको प्रयोग करना है, बाकी इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलता है। एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल है आई एम राइटिंग ए लेटर, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। और इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, फार्मूले पर जाओ। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे ए लेटर, एक्टिव वर्ब इज एम आर में से एक लगेगी, तो लेटर हमारा सिंगुलर है इज एक्टिव वर्ब आई, और अब इस आईएनजी को हमें बीइंग बनाना है और बीइंग बन गया, तो यहां पर हम आपका बीइंग बना देते हैं और फिर ये जो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, बाय का प्रयोग करना है और आई को मी में बदल देना है। और यदि संज्ञा नेगेटिव हो तो इज एम आर के बाद नोट मिलेगा,
और उसके बाद फिर हमें एक्टिव वाइज से पैसे वाइज बनाते समय सब्जेक्ट के बाद भी एल्पी वर्ब के बाद नोट लगाना है। इस तरह से पहले बच्चों ये आपका एक्टिव वाइज से पैसे वाइज बनाने के फॉर्मूले आज हमने डिस्कस किए। इसकी मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगा और उन वर्कशीट में आपको इसी इन्हीं नियम को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस एक्टिव वाइज से पैसे वाइज बनाने हैं और इसी प्रकार से सारे सेंटेंस बनाकर आपको नोटबुक में लिखने हैं। तब तक आप थैंक यू और आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।